अगर अचानक से घर में कोई गेस्ट आ जाए तो क्या करें? तो इस रेसिपी को एंड तक जरूर से देखिए। 30 मिनट के अंदर हमने पूरी थाली बना के रेडी की है, वो भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार। चलिए आज की सिंपल सी थाली का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दाल चावल का कुकर लगा लेना है। तो एक में हम चावल रख देंगे और एक में हम दाल रख देंगे। तो दाल के लिए मैंने बड़ा बर्तन ही इस्तेमाल किया है ताकि बर्तन भी खराब नहीं हो, इसमें ही हम तड़का दे देंगे। तो सबसे पहले दाल चावल को वॉश कर लेंगे और मेजरमेंट के हिसाब से आप जितना पानी हमेशा रखते हैं बस उतना ही पानी डाल के हम इसे कुकर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कुकर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके दाल चावल लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसमें हम दाल रख देंगे और ढक्कन लगा के ऊपर हम राइस रख देंगे। तो यहाँ पे हो गई हमारी कुकर की तैयारी। तो जब तक ये दाल और चावल बॉईल होते हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस कुकर को गैस पे रख दिया है और अब हम सब्जी की तरफ चलते हैं। तो जब तक कुकर होता है तब तक यहाँ पे हमारी जो भी आप सब्जी बनाना चाहे उसे कट कर ले। तो मैं यहाँ पे बैंगन की सब्जी बना रही हूँ जो फटाफट से हो जाती है। तो इसके साथ में हम एक आलू भी ऐड करने वाले हैं। सब्जी कट करके हो जाए कि साथ में ही प्याज और अगर आप लहसुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी साथ में ही कट कर ले। तो एक बर्तन नीचे रखे ताकि नीचे कचरा नहीं हो और आपका टाइम भी बचे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और लहसुन को हमेशा मैं छिलके डब्बे में भर के रख देती हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो। अब यहाँ पे लहसुन को मैं बिल्कुल ही कुटूंगी नहीं, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि दाल में बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। अब यहाँ पे मेरे लहसुन और प्याज अच्छे से कट के हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए हैं और साइड में हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। विसल निकाल के हम दाल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे राइस भी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं और दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो दाल को निकाल के राइस फिर से हम कुकर में रख देंगे ताकि अच्छे से गर्म रहे लंबी देर तक। दाल को थोड़ा अगर आप पतला करना चाहें तो पहले ही उसे इस तरह से थोड़ा सा विस्क करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दे ताकि दाल थोड़ी सी पतली हो जाए। तो पहले ही पानी ऐड कर दे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके दाल को थोड़ा सा पतला कर लिया है। अब इसे हम तड़का लगा लेंगे। तो हम तड़का यही बर्तन में लगाएंगे। तो मेरे पास इस तरह से एक दाल का एक छोटा बर्तन है जिसमें हम तड़का लगाते हैं। तो इस तरह से पहले थोड़ा सा दाल में हल्दी ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने ये जो तड़का है, तड़का वाला पैन है, उसमें थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग डाल के लहसुन ऐड कर दिया है। और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए कि इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और साथ ही में लंबे कटे हुए प्याज भी ऐड कर देंगे। तो प्याज को मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है ताकि दाल फ्राई जैसा टेस्ट आए और खाने में भी बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल सी दाल बनाई है लेकिन दाल तड़का टाइप ही बनाई है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने फटाफट इस तरह से शॉर्टकट में ही दाल तड़का बना लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके इस तड़के को हम दाल में ऐड कर देंगे। तो दाल को इस तरह से ऊपर से तड़का देने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब गैस को हम ऑन कर देंगे और स्वाद अनुसार हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ ही में हम थोड़ा सा कोकम भी ऐड कर देंगे। अगर आप कोकम ऐड नहीं करते हैं तो आप इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम दाल में कोकम का ही इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने इसमें कोकम ऐड किया है। इसकी वजह से थोड़ा सा खट्टापन भी लगेगा। दाल को अच्छे से बॉईल होने दे तब तक हम सब्जी को तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आलू बैंगन फ्राई जैसी सब्जी बना रही हूँ जो फटाफट से बन जाती है। तो मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा हींग डाल के जो सारी सब्जी कट करके रखी थी, बैंगन और आलू, उसे ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लें। अभी कोई भी मसाला हमें ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले इसे अच्छे से पका लेना है। तो थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन लगा के हम इसे मीडियम आंच पे अच्छे से पकने देंगे और एक तरफ हमें दाल को भी बीच बीच में मिक्स करते रहना है, नहीं तो दाल थोड़ी सी नीचे से जल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी दाल बॉयल हो रही है और सब्जी भी हो रही है, तब तक हम आटा गूंथ लेंगे। तो आटे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से आटे को पहले हम गूंथ लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आटा रेडी कर लेती हूँ, तब तक हमारी सब्जी और दाल भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंथ के हो गया है। अब सब्जी भी एक बार चेक कर लेते हैं। आटे को हम थोड़ा सेट होने रख देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी है, अच्छे से बॉईल हो चुकी है। यहाँ पे हम दाल का गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी भी अच्छे से पक के हो चुकी है। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे अच्छे से पकने के बाद में ही सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाल मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। आप अपनी पसंद के और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है और साथ ही मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे और हो गई हमारी सब्जी ये रेडी। बस अच्छे से मिक्स कर ले और उसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे हम। तो हम सारे मसाले ऐड करने के बाद में 5 मिनट के लिए मैंने उसे धीमी आँच पर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है
और हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितने कम समय में हमने आलू बैंगन फ्राई और दाल फ्राई कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। अगर कोई खाएगा तो भी आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे ना कि सच मानिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी सी और मसालेदार सब्जी बनी है। ये देखिए दाल भी हमने, दाल तड़का भी हमने सिंपल सा बनाया है लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए अब हम चपाती बनाने ले लेते हैं। तो चपाती का आटा तैयारी था तो बस चपाती बनानी ही बाकी थी। अब यहाँ पे हमने चपाती भी बना ली है। तो इस तरह से चपाती को बेन ले और फटाफट उसके फुलके बना ले। तो फुलके बनाने में बिल्कुल ही वक्त नहीं लगता है। अगर आपको चपाती की बजाय पूरी या पराठा बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा ऑयली कम खाना पसंद है इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ चपाती बनाई है। तो चपाती पे आप घी या तेल लगा ले, जो भी आप लगाते हैं, और बस हो गए हमारे फुलके भी रेडी। तो चलिए अभी हमारा खाना रेडी हो चुका है तो इसे परोस भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छाछ बना लिया था तो छाछ को भी ऐड कर देंगे एक बाटी में। और यहाँ पे एक बाउल में हम दाल ऐड कर देंगे और राइस को भी इस तरह से साइड में पहले ही रख देंगे। और यहाँ पे हमने जो बैंगन आलू की सब्जी बनाई थी वो भी परोस देते हैं। और साथ में अभी आम का सीज़न है तो आम तो साथ में चाहिए ही, और थोड़ा सा घर का बनाया हुआ अचार भी है और ये हमारे फुलके रेडी है। आप इसमें एडिशन के लिए पापड़ और सलाद भी ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर हमने ये पूरी थाली रेडी कर दी है। तो देखिए कोई भी गेस्ट आए तो बिल्कुल ही घबराए बिना हम ये पूरी थाली इस तरह से फटाफट 30 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये थाली की रेसिपी का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।